अंधेरे में एक चिराग बनकर आया हूँ, अंधेरे में एक चिराग बनकर आया हूँ, जलते हुए अंधेरों को नई मशाल देने आया हूँ। और मत समझना मुखालिफ मुझको जमाने का, मैं जमाने के लिए ही एक मिसाल बनकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ द विंग्स ऑफ डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने हम सबको यहाँ आने का मौका भी दिया और कुछ अपने अल्फाजों को बयां करने का मौका भी दिया। तो मैं जो हूँ बदायूँ की धरती से आया हूँ, जिसको शकील बदायूँ की धरती की भी कहा जाता है। तो वहीं शकील बदायूँ के चार थाट्स मैंने बस लिखे थे, उन्हीं को समाप्त करता हूँ कि शकील बदायूँ बदायूँ की शान बन गए, रचनाओं से अपनी वो इतिहास रच गए। यूं तो मोहब्बत के तराने सुने थे बहुत, पर उनके तराने हमारे दिल में मकाम कर गए, पर उनके तराने हमारे दिल में मकाम कर गए। इंसान के चरित्र को समझना वो मेन होता है, किसी के नाम आइडेंटिटी को जानना मेन नहीं होता है। इसी चीज को मैं इस कविता के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष उजागर करूंगा। अनजाने रास्तों पर चलना सीख लिया, खाकर ठोकर जिंदगी में मुस्कुराना सीख लिया। आलोचनाएं तो करते हैं दुनिया वाले सबकी, पर हमने सबको अच्छा कहना सीख लिया। जाती है कहीं भीड़ चली जाए, हमने भी सुनसान रास्तों पर चलना सीख लिया। चिढ़ाते हैं तो चिढ़ाते रहे दुनिया वाले भी हमको, क्योंकि हमने भी अब ये सब कुछ सहना सीख लिया, हमने सहना सीख लिया। और ये हकीकत है, सब बढ़ते हैं आगे यहाँ किसी ना किसी का सहारा लेकर, पर हमने तो बिना सहारे के आगे बढ़ना सीख लिया, हमने तो बिना सहारे के आगे बढ़ना सीख लिया। सब सोचते हैं यहाँ अपने अपने बारे में, पर देखो हमने सबके बारे में सोचना सीख लिया। सब भागते हैं, ये आप सब लोगों से कनेक्ट है मुझसे भी, कि सब भागते हैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाने के लिए, पर हमने इस दुनिया को कुछ देना सीख लिया, पर हमने इस दुनिया को कुछ देना सीख लिया। कोई नहीं करता कद्र अपने इस समय की, पर हमने समय की कद्र करना सीख लिया। कोई नहीं करता कद्र अपने इस समय की, पर हमने समय की कदर करना सीख लिया। और दो लाइनें जो पूरी मानवता को इसमें लेके आ रही है, कि नहीं पहचान पा रहा इंसान आज अपने आप को, पर देखो आज हमने अपने आप को पहचानना सीख लिया, आज हमने अपने आप को पहचानना सीख लिया। और एज अ मैसेंजर के रूप में मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुस्कुरा कर अपने गम को छुपाना सीख ले, डूबती हुई कश्ती को अपनी पार लगाना सीख ले, और कोई नहीं आएगा तेरी तकलीफें दूर कर दे तो खुद ही तकलीफों से अपनी छुटकारा पाना सीख ले।